chemically base are those compounds which provides hydroxide ion, okay, in aqueous solution. That is a clear cut base. Base का ये clear cut definition है और that is called Lewis base. वो क्या कहलाता है? Lewis base कहलाता है, ठीक है. अगर हम लोग लुइस बेस का बात करें तो लुइस एसिड के बारे में मैंने बताया था ना हर्ष. सर उस दिन मेरा ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था. सर उस दिन मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था. लुइस एसिड के बारे में. यस सर, जो हाइड्रो पॉजिटिव आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में. एच प्लस आयन ना. यस सर. गुड, वेरी गुड. एच प्लस आयन देगा तो वो एसिड. अगर ओ एच माइनस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में तो वो बेस. यही तो डिफरेंस दोनों में है कि नहीं? यही तो मेन डिफरेंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एसिड एंड बेस तो एक कॉमन डिफिनेशन जो हम लोग हमेशा याद रखें वो है कि एसिड जो है हमेशा प्रोवाइड करता है एच प्लस आयन एंड बेस ऑलवेज प्रोवाइड ओ एच माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. सो दैट इज क्लियर, ठीक है. एसिड वैसे कंपाउंड होंगे जिनका एक्वस सॉल्यूशन एच प्लस आयन देगा और बेस विल बी दोज कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड्स ओ एच माइनस. ठीक है, यही बेस का डिफिनेशन हमेशा याद रखना होगा. ठीक है, बेस आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच प्रोवाइड OH minus ion in their aqueous solution. ठीक है, this is the definition of Lewis base also. सर फिर डिफरेंस क्या है? सर फिर डिफरेंस क्या है? एसिड एच प्लस आयन देता है. नहीं सर, सॉल्यूशन जो होगा बेस और एच प्लस और बेस सॉल्यूशन ओ एच माइनस, यही डिफरेंस होगा. नहीं सर. हम्म, सर लुविस बेस और बेस में. हम्म, लुविस बेस और बेस में. Hmm? क्या डिफरेंस? नो डिफरेंस. एक्चुअली लुइस हैज डिफाइंड ए बेस दैट वी रिक्वायर टू डिफाइन इन दैट वे व्हाट आर बेस. तो लुइस बेस कह लो है ना, क्योंकि लुइस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने दिया इसलिए हम लोग लुइस बेस कहते हैं. लेकिन बेस एक्चुअली डेफिनेशन ही हम लोग यही याद रखेंगे जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि वैसे केमिकल कंपाउंड जो ओएच माइनस आयन देने की क्षमता रखते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में उनको बेस कहा जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर
अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मालूम है NaOH, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज होता है, इसका एक सॉल्यूशन। इट प्रोवाइड्स Na प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। तो OH माइनस आयन ये दिया NaOH, इसलिए ये बेस कहलाए। उसी ढंग से पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्स, तो देखो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो वो वीक बेस होगा। और ये बात एसिड के साथ भी है, लेकिन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कॉन्क HCl है ना, उसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वही अगर डाइल्यूट करते हैं HCl का तो थोड़ा सा उससे कंसेंट्रेशन कम जाता है, तो डाइल्यूट HCl इज लेस है ना स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू कॉन्क HCl। उसी ढंग से अगर है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये वीक बेस है, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन कुछ कम होता है। उसी ढंग से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इतना वीक बेस है कि एंटा एसिड टैबलेट्स के जरिए हम लोग खाते हैं। हालांकि ये मत सोचो कि बेस जो है एसिड की तरह खतरनाक नहीं होता, बेस भी इक्वली डेंजरस, बिकॉज बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स हैव कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव मतलब क्या हो गया है ना, जला देगा चमड़ा को, चीज़ों को जला देगा, खराब कर देगा। एसिड्स में ही प्रॉपर्टी होता है कोरोसिव नेचर, बेस में भी वो प्रॉपर्टी होता है, इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बहुत खतरनाक है। तुम लोगों में से कितने लोग पान कभी खाए हो, कभी ना कभी बताओ। यस सर, यस सर, बनारसी पान सर। हैं अमन राज है सर, अमन राज के अमन कृष्णा कौन खाया है? अमन राज सर। अमन राज गुड, क्या पार्टी उटी में खाए थे, शादी के पार्टी में? हाँ सर, एक बार बनारस भी गए थे तब भी खाए थे सर। अच्छा, स्पेशल पान है? यस सर, यस सर। तो चूना चूना ज्यादा नहीं ना दिया था? नहीं सर, छोटे थे तो बहुत कम ही दिया था। अच्छा, मुंह तुम्हारा जीभ कटा तो नहीं था? नहीं सर। अच्छा देखो, लेकिन एक बात हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मैं पान
मुझको खाते तुम लोग देखे कभी तो नहीं होगे, लेकिन अगर हम कहें तो पान कभी महीना दो महीने का दो बार खा ही लेते हैं, है ना, कभी कभी 3-4 महीने पर एक बार खाते हैं, लेकिन कभी कभी 10 दिन लगातार भी खाते हैं, ऐसा होता है, पार्टी उटी में तो ज़रूर खा लेते हैं। तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि चूना का मात्रा, बिकॉज चूना इज एक्चुअली व्हाट दैट इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, दैट इज ए बेस, ओके, इट इज़ ए वीक बेस, कमजोर बेस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मात्रा अगर बढ़ जाता है तो मेरे जीभ कट जाता है। जीभ कटना मतलब उसके बाद कोई नमकीन चीज़ खाएंगे तो बहुत लगता है। सो बेस हैज कोरोसिव प्रॉपर्टी, ओके, तो वीक बेस जो तो कमजोर बेस है चूना, कभी चूना अगर दीवार उवाल पर पड़ता है उसको छू के देखना, अगर ज़्यादा देर रह जाएगा हाथ में तो हाथ को जो है ना काट देगा, ऐसा हुआ है? यस सर। हाँ, इसलिए अगर कभी चूना छुआ भी जाता है तो उसका चूना का बहुत लिक्विड फॉर्म छुआ जाता है ना, एकदम रॉ फॉर्म नहीं छुआ जाता है, कॉन्क फॉर्म डाइल्यूट करके उसको है ना टच किया भी जाता है, या फिर पान लगाने वाले तुमने देखा होगा एक हाथ से नहीं लगाते चूना वो एक डंडी की मदद से, पान की डंडी की मदद से लगाएंगे चूना या कत्था। यू नो व्हाई आई एम एक्सपीरियंस, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज इन एवरीडे लाइफ दिस बेस इज क्वाइट कॉमन, कॉमन है। साबुन हम लोग यूज करते हैं, अमन कृष्णा, यस सर, साबुन लगाते हो ना जी? हाँ सर। गुड, अभी तो गर्मी के दिन में तो अब एक से दो बार भी स्नान आदमी को करना पड़ता है कि नहीं? साबुन जो है एक्चुअली सोप एक बेस है, ठीक है, सोप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, NaOH का, याद रखो। और साबुन का नेचर क्या है, तुमका कभी साबुन कभी पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ से वो गिरने का स्लिपी नेचर होता है, सोपी स्लिपी, हाँ फिसल जाएगा, बहुत बार साबुन देखे होंगे फिसल के गिर के इधर उधर भाग जाता है, गंदा हो जाता है साबुन, हाँ तो सोपी, सोपी नेचर, तो बेस का है, सोपी नेचर होता है, स्लिपी नेचर होता है, फिसलने वाला होता है ना, ये एक नेचर है, इससे भी बेस की पहचान होती है, स्लिपी सोपी। उसके अलावा एक चीज है कि जिसे बेस को और पकड़ते हैं कि बेस कैन कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, दिस इज ऑल्सो ए क्लियर कट डिटेक्शन दैट एनी कंपाउंड इज बेस। अगर कोई कंपाउंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, चाहे वो स्ट्रांग बेस रहे, वीक बेस रहे, माइल्ड बेस रहे, किसी भी ढंग का डाइल्यूट बेस रहे, करेगा ऐसा, वो मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो करेगा, चाहे वो माइल्ड बेस रहे, लिक्विड बेस रहे, डाइल्यूट रहे, कॉन्क रहे, कुछ भी, और फेनिलएथिलीन के कलर को पिंक करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स बेस कहलाएंगे जो ये काम करता है। सो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ बेस, एक डेफिनेशन अगर याद रखना हो, इफ यू हैव टू रिमेंबर वन डेफिनेशन ऑफ बेस, व्हाट आर बेस और विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेस, सो यू हैव टू रिमेंबर only one definition, single definition, that will be very clear. Hello, that definition is base are those chemical compounds which provides OH minus ions in their aqueous solution. इसको हम लोग Lewis base का definition भी कहते हैं और base का definition भी कहते हैं, और इसका equation हम लोग लिख सकते हैं NaOH, because sodium hydroxide, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, sodium hydroxide, Na means sodium, OH means hydroxide. Sodium hydroxide is a strong base. Okay, why? Because it completely ionizes to provide sodium plus ion and OH minus ion. That means what? OH minus ion concentration in
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसको समझने का और समझाने का एक और मेथड है, तरीका है, जिसको हम लोग पीएच स्केल से समझते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ है ना सॉल्यूशन से समझते हैं, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, वो भी लिटमस पेपर की तरह ही रेंज ऑफ पेपर्स होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, जो पीएच स्केल को बताता है, जो पीएच वैल्यू को, कॉरस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू को बताता है, उसके है ना, उस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं कोई बेस का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वीक बेस है, कितना वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका एक रेंज है जिसको हम लोग पीएच वैल्यू से समझते हैं. ठीक है, तो पीएच वैल्यू या पीएच स्केल है ना एसिड और बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताने का एक टूल है, एक टेक्निक है, एक स्कीम है, एक तरीका है, एक प्रोसेस. ओके, दिस वाज डिवाइस्ड, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 बाय सोरेनसन. ओके, इन 1909 सोरेनसन इंट्रोड्यूस्ड पीएच स्केल, ओके, टू नो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. सोरेनसन जो केमिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल डिवाइस किया, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे. हला केवल अभी ये जानना जरूरी है कि आखिर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कैसे पता लगेगा, या कोई अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक बेस है, कैसे पता चलेगा, तो वो पीएच स्केल, पीएच वैल्यू से पता चलेगा उस सॉल्यूशन की. तो उस पीएच वैल्यू अगर हल हम बात करें, तो वो रेंज होता है 0 से 14 तक. तो पीएच वैल्यू कैसे पता चलता है, उसको कैसे निकाला जाता है, किस आधार पर काम करता है, तो एक्चुअली सोरेनसन साहब ने कहा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का, किसी एसिडिक सॉल्यूशन का, या किसी बेसिक सॉल्यूशन का, या किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना है, उस आधार पर पीएच वैल्यू उस सॉल्यूशन का डिसाइड होता है. और एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीएच वैल्यू होता है. अगर एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम से कम होगा, और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन अगर कम से कम होगा तो पीएच वैल्यू है ना उस सॉल्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये पीएच वैल्यू जो है किसी सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, हाँ ये बात सच है. अब तुम कहोगे कि बेस तो एच प्लस आयन नहीं देगा, एसिड एच प्लस आयन देता है, बेस एच प्लस आयन नहीं देता, ये बात सच है ना कि गलत है, बताओ अमन कृष्णा. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना. हम्म,
आई वॉज आस्किंग दैट एसिड टू एच प्लस आयन देता है एक्वस में, वाटर सॉल्यूशन में एसिड, एच सी एल जो है वो एच प्लस आयन देगा, लेकिन बेस तो ओ एच माइनस आयन देता है ना। यस सर। तो फिर कैसे हम लोग एच प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के आधार पर बेस का भी स्ट्रेंथ पता कर लेंगे पीएच स्केल में? तो पीएच वैल्यू तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन पर काम करता है। पीएच वैल्यू एक्चुअली किसी भी सॉल्यूशन का एच प्लस आयन पर काम करता है। तो कैसे किसी बेस का हम कंसेंट्रेशन का स्ट्रेंथ बेस का पता लगा लेंगे पीएच वैल्यू उसका, कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है कैसे? तो एक्चुअली देखो सर नहीं पता सर। अच्छा ठीक ओके नो प्रॉब्लम। एक्चुअली देखो क्या है ना कि सॉल्यूशन जब भी होता है तो सॉल्यूशन में तो एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर तो एच प्लस आयन देगा ही ना देगा, है? वाटर क्या है, वाटर जब टूटेगा तो एच प्लस होगा एच माइनस आयन। हाँ तो ऐसा है कि बेसिक सॉल्यूशन भी एच प्लस आयन देगा, हाँ ओ एच माइनस आयन का मात्रा ज्यादा है वहाँ तो एच प्लस आयन से हमको मतलब एच प्लस आयन कम से कम होगा उसमें, इससे पता लगा लेंगे। क्योंकि वाटर जब भी डिसोसिएट होगा तो एच प्लस आयन तो मिलेगा ही, तो ऐसा नहीं कि बेसिक सॉल्यूशन में एच प्लस आयन नहीं होता, लेकिन ओ एच माइनस आयन ज़्यादा होता है एच प्लस आयन कम होता है। तो हम ओ एच माइनस आयन का चर्चा नहीं कर रहे हैं पीएच स्केल के लिए, पीएच स्केल के लिए केवल एच प्लस आयन का चर्चा करें, वी टॉक ओनली एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो एसिड में एच प्लस आयन तो बढ़ जाएगा क्योंकि पहले से वाटर का एच प्लस आयन और एसिड भी एच प्लस आयन देगा, तो एसिड एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया एसिड। ठीक है बेस में एच प्लस आयन तो वाटर का ही केवल है, बाकी ओ एच माइनस आयन, तो ओ एच माइनस आयन ज़्यादा है तो एच प्लस आयन स्वाभाविक है कम ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो एच प्लस आयन बेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बेस में कम से कम होता है और इसका उल्टा पीएच वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब 7 से ज़्यादा 14 तक पीएच वैल्यू बेसिक सॉल्यूशंस के होते हैं बेस के। 11 से 14 तक होता है सर बेस का वैल्यू पीएच बेस के, सर 11 से 14 तक होता है, 14 सर हाईएस्ट वैल्यू होता है पीएच का। सुनो 0 से 14 होता है पीएच वैल्यू, ठीक है? अब 0 टू 6 एसिडिक सॉल्यूशन एसिड्स, 7 न्यूट्रल वाटर का न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 होगा पीएच वैल्यू, 8 से लेकर 14 तक बेस का होगा, 8, 9, 10 वीक बेस, 11, 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस, ओके 0, 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 4, 5, 6 ओके वीक एसिड, 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर या फिर हला नमक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब 7 से बढ़ेंगे तो 8, 9, 10 अगर पीएच वैल्यू हो तो वीक बेस होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू सॉल्यूशन का 10 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 वीक बेस होता है, लेकिन 11, 12, 13, 14 जो पीएच वैल्यू हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे कॉन्क हला सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 पीएच वैल्यू, 13 हला जो होगा डायल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। So this is the range of pH values that is given in the pH scale that actually depends on H plus ion concentration of a solution, and that was devised, that was introduced, that was given first time by Sorensen in 1909 to understand, to detect, to know the relative strength of acids and base or acid solution, basic solution or the pH value of any solution. Sir, sir, हाँ बोलो sir, अगर HCl तो sir strong acid है ना,
हाँ उसका पीएच वैल्यू जीरो होता है कॉन्क एचसीएल का। सर लेकिन अगर एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सर मिनरल एसिड है तो सर वो हम लोग में भी तो पाया जाता है सर, हम लोग के स्टमक में एचसीएल ही होता है तो सर वो मिनरल एसिड कैसे हो गया? हम लोग के स्टमक में भी एसिड होता है लेकिन कॉन्क नहीं होता है, थोड़ा डाइल्यूट होता है, उसका पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 होता है। देखो जो भी सिस्टम है बॉडी के अंदर भी है बॉडी के बाहर भी है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर का जो एसिड है उसका अपना बायोलॉजिकल फंक्शंस में यूज़ है, स्टोमक के जो एसिड से, ठीक है ना, वो जो सब्सटेंस हम लोग भोजन करते हैं उसको तोड़ने में है ना, उसको तोड़ने में यूज़ होता है, उसको छोटे छोटे है ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स सब्सटेंसेस कंपाउंड्स में तोड़ने में, और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए है ना, बैक्टीरिया वायरस का इफेक्ट है उस सबको एसिड से मारता है ख़त्म करता है, माइक्रोब्स वगैरह का इफेक्ट ख़त्म करता है, तो स्टोमिक के एसिड्स का अपना एक यूज़ है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में दैट इज अ पार्ट ऑफ। सर इस हिसाब से एचसीएल भी तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया ना? पार्डन सर, इस हिसाब से एचसीएल तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया? इस हिसाब से एचसीएल ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है कह सकते हो, लेकिन वो जो जूस है ना वो डाइल्यूट एचसीएल है और उसका एक खास पर्पस है, वो अकेले काम नहीं करता है ना, वो फूड के साथ काम करता है, प्लस क्योंकि वो मिनरल एसिड के रूप में हम लोग समझ रहे हैं इसलिए कह सकते हैं वो मिनरल एसिड है ना, लेकिन प्लांट एसिड्स या फिर जो एनिमल्स एसिड्स हैं वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि माइल्ड हो, माइल्ड होता है तो ज़्यादा हम लोग उसको समझते हैं है ना ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में, लेकिन मोटे तौर पर ठीक है बॉडी के अंदर है तो तुम कह सकते हो ऑर्गेनिक एसिड है वो भी है ना, लेकिन अगर हम लोग को डिवाइड करना हो तो मिनरल एसिड में हम लोग एचसीएल को रखते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग फ्रूट के एसिड, साइट्रिक एसिड्स ऑर्गेनिक रखते हैं, एक खास जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस रूप में लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस है ठीक है ना, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस पूरी तरह केवल एचसीएल ही नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ और है, मिक्सर है एचसीएल के साथ और कुछ, ठीक है, तो वो केवल एचसीएल नहीं, केवल डाइल्यूट एचसीएल नहीं है कि नहीं, जैसे अगर वाटर कहते हैं ठीक है तो वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर है तो प्योर वाटर तो है, उसमें मिनरल्स मिला हुआ, उसी तरह गैस्ट्रिक जूस इज नॉट प्योर एचसीएल, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्योर एचसीएल डाइल्यूट एचसीएल और कॉन्क एचसीएल दैट इज प्योर एचसीएल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गैस्ट्रिक जूस दैट मेनली इट इज डाइल्यूट एचसीएल बट देर कुड बी प्रेजेंस ऑफ सम अदर कंपाउंड्स ऑल्सो इन दैट गैस्ट्रिक जूस दैट इज क्वाइट हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस, ओके ठीक है हर्ष, क्लियर, इज इट क्लियर?